साथी छोटे किसानों, खेत मजदूरों और छोटे दुकानदारों को ये भी बहुत बड़ा काम। 23 तारीख को जब चुनाव नतीजा आएगा, फिर एक बार 23 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो हम आजादी के बाद इतनी सरकारें आई, हम पहली बार एक बड़ा काम करने वाले हैं। हमारा किसान हो, हमारा मजदूर हो, हमारा खेत मजदूर हो, हमारा ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, हमारा छोटा दुकानदार हो, छोटे छोटे ठेले लेकर के अपना माल बेचने वाला दुकानदार हो, कोई कपड़े की फेरी करने वाला हो, कोई बर्तन की फेरी करने वाला हो, कोई अखबार बेचने वाला हो, कोई दूध बेचने वाला हो, ये जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 60 साल की उम्र होने के बाद ऐसे लोगों को हर महीने पेंशन कैसे मिले, इसकी योजना लेकर के हम आएंगे, ताकि बुढ़ापे में उसको किसी पर मोहताज न रहना पड़े, वो सम्मान के साथ जी सके। और इसलिए 60 साल के बाद किसान के लिए, खेत मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छुटपुट काम करने वालों के लिए हर महीने पेंशन 60 साल के बाद मिले, इसकी एक बहुत बढ़िया योजना बनाने के लिए मैंने सरकार में बोल दिया है। और फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी, ये भी मैं लेकर के आ जाऊंगा। इतना ही नहीं, मंडियों को बिचौलिया मुक्त करने के लिए, किसान को उचित दाम दिलाने के लिए इनाम जैसी व्यवस्था पूरे देश में सशक्त की जा रही है। भाइयों और बहनों, देश के किसान को हमारी बात पर आज अगर विश्वास हो रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मानता है कि ईमानदारी से काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जबकि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों पर अविश्वास इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। यहां विधानसभा का चुनाव अभी 150 दिन पहले ही हुआ है। उस चुनाव में ये कांग्रेस वालों ने घूम घूम कर आपको गले गले लगा करके आपको गिनती सिखाई थी ना, 1 2 3 कहा था ना, 1 से 10। और सिर्फ 10 दिन के भीतर ही किसान का कर्ज माफ कर देंगे, ये कहा था नहीं कहा था? कहा था भाई, आपने सुना था? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, कहा था? आपने सुना था? उनका वादा था कि नहीं था? 10 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 30 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 50 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 100 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 150 दिन होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये धोखा करते हैं कि नहीं करते हैं? यहां का किसान परेशान है क्योंकि बैंक नया कर्ज नहीं दे रहा और घर पर पुलिस भेज रहा है। अब एमपी का किसान पूछ रहा है कि हमारी कर्ज माफी का क्या हुआ? जिन्होंने कर्ज माफी नहीं की ना, उनको कहो माफ करो, जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं, उनको भगाओ। साथियों, बिजली के वादे के साथ तो इन्होंने ऐसा खेल कर दिया कि अच्छे अच्छे चक्कर आ जाए। इनका दिमाग बड़ा गजब का है जी, बड़ा शैतानी दिमाग है। उन्होंने वादा किया था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बिजली का बिल हाफ करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था?
लेकिन ये शैतानी दिमाग देखिए, शैतानी दिमाग कैसे शैतानी काम करवाता है। उन्होंने क्या किया, बिल हाफ नहीं किया, बिजली हाफ कर दी। वादा किया था कर्ज माफी न होने पर मुख्यमंत्री को बदलने का, लेकिन एमपी में मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, आज एमपी में 2.5 मुख्यमंत्री बिठा दिए हैं। और इसलिए अफसरों को भी मजा है, वो उसको पूछने जाता है, वो उसको पूछने जाता है, वो पहले वाले के पास भेजता है, सब चक्कर काट रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। 2.5 मुख्यमंत्री बैठे हैं भाई, 1.5 होते हैं तो कितनी परेशानी होती है, ये 2.5 होने पर तो क्या क्या होता है भैया। साथियों, 2.5 सीएम की सरकार के कारनामे तो आप देख ही रहे हैं। यहां ट्रांसफर का, कर्मचारियों को परेशान करने का, उद्योग ट्रांसफर उद्योग एक गोरख धंधे का नया खेल है, बराबर फल फूल रहा है। अपराधी और डकैत सिर उठा रहे हैं, दलित और आदिवासी छात्र छात्राएं आवास भत्ते के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली से आपके इस सेवक ने आदिवासी बच्चों, प्रसूता बहनों का कुपोषण से, भूख से बचाने के लिए जो पैसा भेजा, वो भी इन्होंने चुनाव प्रचार में लगा दिया। साथियों, तुगलक रोड चुनाव घोटाला पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस के नेताओं के घर से करोड़ों रुपयों बोरे में भर भर करके मिले हैं, आपने टीवी पर देखा कि नहीं देखा? सरकार को अभी तो 60 दिन नहीं हुए थे और खेल चालू कर दिया, 15 साल का पुराना भी लाओ, कुछ बचेगा क्या आपके पास? कुछ बचेगा क्या? ये मध्य प्रदेश बचेगा क्या? भाइयों बहनों, एक उंगली दबाने की गलती ने पूरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया है। ऐसी नियत रखने वालों पर भला देश कैसे विश्वास कर सकता है? यही कारण है कि कांग्रेस और उसके तमाम महामिलावटी दलों को देश ने हर स्तर पर नकारता जा रहा है। साथियों, आज मैं उन बेटियों, बहनों, माताओं का भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने आगे आकर अपने इस सेवक को, भाजपा को आशीर्वाद दिया है। मैं हर बहन बेटी को यह आश्वासन करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि बीते 5 वर्ष में महिला सशक्तिकरण की जो यात्रा देश ने शुरू की है, उसको आने वाले 5 वर्षों में और मजबूत किया जाएगा। भाई और बहनों, भाई और बहनों, बीते 5 वर्ष में स्कूल स्कूल में, घर घर में हमने बहन बेटियों के लिए शौचालय बनाया। गांव गांव, गरीब के घर घर तक बिजली, ये करने का हमने बीड़ा उठाया। गरीब से गरीब के घर में मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया। अब आने वाले 5 वर्षों में हम पानी की समस्या पर पूरी तरह समर्पित भाव से काम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक बहुत बड़े चिंतक राजनेता हो गए, राम मनोहर लोहिया जी। आज ये समाजवाद के नाम पर, धन के अंबारों पर जितने नेता बैठे हैं ना, लाल टोपी पहन करके निकल जाते हैं, समाजवाद के नारे देते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने 50 साल पहले कहा था कि हमारे देश की महिलाओं की 2 समस्याएं मुख्य है, एक पानी की,
और दूसरी पैखाने की। हमारे देश की महिलाओं की सबसे दो मुसीबतें सबसे पहले दूर करनी चाहिए। 50 साल पहले समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, नेहरू के सामने खड़े होकर के बोलते थे, बार बार बोलते थे, भाइयों बहनों इन लोगों ने नहीं सुनी, ये मोदी है।